सर सलाम अलैकुम। हाउ आर यू सर? ठीक हो? फाइन थैंक यू। सर चार्ज नहीं हुई? नहीं लगी हुई चार्ज। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, कल बिरयानी बनवाई थी स्पेशल। हमारे गांव का ये कुक है राजा लियाकत और उसका भाई है हक नवाज़, वो बहुत अच्छी यानी कि बिरयानी बनाते हैं। मुझे उनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे घर में बिरयानी बनाते हैं मगर उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, मगर वो जो बना कर देते हैं बिरयानी उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सो ही उनको लगता है, मगर मेरी वो फेवरेट बिरयानी है। मुंह में पानी आ रहा है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं नाश्ता कर लूं फिर आप लोगों को बताता हूं कि आज क्यों वीडियो बनानी पड़ रही है यार मुझे। चिकन पीसेस ख़त्म हो गए हैं, रात से खा रहा हूँ, तकरीबन 4-5 बार मैं खा चुका हूँ रात का ये बिरयानी। तो अब चिकन जो है सब ख़त्म हो चुका है, सर चावल ही बचे हैं, मगर टेस्ट वही आ रहा है चावलों में से भी। ये जो दिखाई है आप लोगों को, एक सेकेंड, बाज जगह पे इसको छाछ कहते हैं, बाज जगह पे इसको लस्सी कहते हैं, और ये चाटी की लस्सी होती है हमारे पास, इससे मक्खन अलहदा कर लिया जाता है और ये लस्सी जो सी है ये रह जाती है पीछे। ये उधर बिल्ली है, उसको मारने के लिए गया हुआ है। ओहो, बिल्ली को गोली नहीं मारी, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, जल्दी आ, इधर आ। हाँ बता क्या करने गया था? मैं बिल्ली एक बू बिल्ली को मारने गया था। हाँ वीडियो क्या आप मेरी वीडियो अभी तक नहीं बना रहे? बनाओ तो रहा हूँ तेरी वीडियो भी। तो चोट कहाँ पे लगी थी जल्दी बता, चोट कहाँ? इधर लगा था। दिखा इधर, मैं मुझे दिखा, दिखा दिया। ये चोट लगी थी जी सारिब को, जब वो रिएक्शन बना रहा था तो बाहर रोने लग पड़ा था सारिब। दर्द हुई थी? अपनी मौज के मालिक होते हैं, वैसे कहते हैं कि बच्चों को चोट कम ही लगती है। तो भैया खाना ख़त्म कर लिया है, अब बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है मेन, यानी कि जिसलिए आज व्लॉग बना रहा हूँ जिसके ऊपर। पिछले सीज़न में सर्दियों में मैंने सोलर उतरवा के रख लिया था, मैंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, पाकिस्तान की लाइट स्टेबल हो चुकी है, मगर अब दोबारा फिर गर्मियाँ आई नहीं तो लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है जाना। रात को बच्चे सो रहे थे तो फुल यानी कि पसीने ही पसीना हो गया था बच्चों को, गर्मी क्यों गया थोड़ी सी ज़्यादा। वैसे अभी तक गर्मी जो सी है वो एंटर और ये यानी कि मौसम जो है वो बाहर का ही समझ लें कि ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो रात को सर्दी बन जाती है, सुबह गर्मी होती है जब सूरज निकलता है। वैसे आए बादल बने हुए हैं इस वजह से करके काफ़ी माहौल भी बेहतरीन बना हुआ है। तो अब सोलर जो है वो इंस्टॉल करवाना भाई मैंने पहले नंबर, तो ताकि बच्चे जो हैं वो इजी रहे और लाइट जो है इसका पता कोई नहीं किसी टाइम भी जा सकती है। और दूसरे नंबर पे एक बैटरी जो है वो चार्ज करवा के ले आया था, दूसरी बैटरी मैं देकर आ गया था क्योंकि सोलर के साथ दो बैटरियां मैंने ली हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बैटरी हैं, तो मक्कुआ से बैटरी लेकर आनी, वहाँ पर दी हुई है चार्जिंग के लिए। बैटरी काफ़ी हैवी है, एक बंदा नहीं लेकर आ सकता उसको, तो बाकी जो है इलेक्ट्रीशियन है उसको भी बोलना है ताकि वायरिंग दोबारा कर दे, और वेल्डर को भी बोलना है कि वो फ्रेम दोबारा वेल्ड कर दे। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, 2-3 जगह पे बंदों को कहना है, और उम्मीद करता हूँ कि जो सा काम है वो फिनिश आज के दिन में ही हो जाएगा। चले जी, लड़का मिल गया अमजद, उसको साथ लेकर चलता हूँ, और वो बाहर वेट कर रहा है कुछ चीज़ें उठानी है यहाँ से वीडियो बनाने के लिए।
ये भाई अमजद है, आज अमजद भाई बाइक चलाएंगे, मैंने पीछे बैठना, मैंने वीडियो बनानी है। चल अमजद भाई, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है यहाँ पे। वो वैसे मेरा घर है वहाँ पे, अमीर के पास खड़ा कर रहे थे सामने। बादशाह सर, सलाम अलैकुम सर। सर फ्रेम लगवाना था। हेलो भाई, फ्रेम वेल्ड करना था सोलर वाला। वापस आ रहा हूँ फिर ये कर देना है। आ जी मेहरबानी। वही तो हाथों में कैमरा देख के बंदे जो से गांव के वैसे डर जाते हैं, यार ये बंदा क्या करने जा रहा है हमारा। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड यानी कि फीलिंग होती है बाज़ दफ़ा, मगर अब मुझे नहीं यानी कि फील होता, मैं यूज़ टू हो चुका हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि जिन्होंने बात करनी है उन्होंने करनी ही करनी है। ये जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये सेंट्रल जेल है फैसलाबाद में। काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वैसे यहाँ पे, और सख्ती बहुत ज्यादा होती है। इतना समझदार हूँ मैं कि वॉलेट घर पे रखा है, उसके अंदर रसीद भी थी बैटरी की, और बाकी जो पैसे हैं वो सारे घर पे रख कर आ गया हूँ। अब सब्जी वाले से इधर है, सब्जी वाला मक्कू का नाम है दोस्त, उससे पकड़ने पड़ेंगे पैसे, फिर बाद उसको वापस रिटर्न कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वॉलेट घर बोल गया 400 रुपया बताइए। जबरदस्त शुक्र अल्लाह ताला का यार, मैं बाद देना है जी। चार मेन रोड की ये हालत है, ये कंडीशन है मेन रोड की। बस थले आते जो थले, ओ साका जो थली है। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम। हाउ आर यू सर, ठीक हो? चार्ज नहीं हुई? नहीं लगी हुई चार्ज। अभी चार्ज नहीं हुई, हो जाएगा इंशाल्लाह चार्ज। कितना कितना टाइम? 4-5 बजे तक ठीक होगा सर। सर सेल सही है सारे? ओके। मिसिंग करता था कि तेल सही है? 6 बजे के बाद नहीं मिली भैया बैटरी, अभी चार्ज हो रही थी, तो दोबारा फिर आना पड़ेगा, चक्कर लग ही जाएगा यहाँ पे। बैटरी यार चार्ज नहीं हुई, आप उस बाइक के पैसे वापस कर देते हैं, क्योंकि शाम को फिर दोबारा चक्कर लगना है, वापस लेकर आने हैं, तो फिर वॉलेट लेकर आऊँगा ना साथ में। फेमस रोड है जड़ा वाला रोड इसको कहते हैं, और फटा पुराना जिस तरह है उसकी कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीछे रिश्वत ले रहा था एक वार्डन वाला, ट्रक वाले को रोक के ना उससे पैसे ले रहा था। तो इसी तरह का यार कंट्री है हमारी, तो पाकिस्तान जो है रिश्वत खुलेआम चलती है, जिसके बंदे के पास पावर है वो भाई रिश्वत लेने बगैर नहीं छोड़ता। दिल यार कर रहा था बार बार बादल ही दिखाता रहूँ आप लोगों को, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे। हमारे एरिया में बिल्कुल प्लेन होता है स्काई, इस तरह बादल नहीं होते इस एरिया में। तो यहाँ पे जब बारिश वगैरह का मौसम होता है
और अच्छा मौसम होता है, सुहाना मौसम, तब इस तरह के बादल बनते हैं हमारे पास यहाँ। जो सा था आज का वो फ्लॉप हो गया, प्रोस्पॉन्ड कर दिया है, क्योंकि जिसने वेल्डिंग करनी थी वो कह रहा था, मेरे पास एक क्लाइंट है वो कह रहा था कि आप सोलर मुझे बेच दो। मेरी इंटेंशन यही थी सोलर बेच के यूपीएस ले लेता हूँ और कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो कल तक का टाइम है आप लोगों के पास, अगर कल तो पैसे दे दिए तो ठीक है, आप लोग सोलर ले जाना सारा सिस्टम जो है, वरना मैं अपनी हर चीज़ आके मुझे वेल्ड कर देना, फिर मैंने सेल नहीं करना सोलर। तो यहीं पर था मिशन, और मिशन जो सा था वो प्रोस्पॉन्ड हो गया। इसका टाइटल भी जैसा है मिशन क्रॉस। पीछा पीछा रखे ना पीछा, ते थोड़ा थल्ले कर, थल्ले कर, बिल्कुल लेवल थे मेरे ते। तो खाना भैया ऐ थोड़ी सीधी कर, बस ऐ थोड़ा थल्ले कर, ऐ तो फाल लगे थे।